सलमान खान ने कुत्तों से मांगी माफी। सलमान खान ने लाइव शो में जुबैर खान से मांगी माफी। वीकेंड का वार का एपिसोड रहा मजेदार। सिर्फ एक हफ्ते बिग बॉस के घर के अंदर रहकर जुबैर खान अच्छे खासे फेमस हो चुके हैं। घर से बाहर होने के बाद से वो अपने किसी न किसी बयान या काम की वजह से सुर्खियों में है। सलमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले जुबैर खान ने उनसे माफी की मांग की थी। जुबैर खान ने कहा था कि मैं घर में तभी वापस लौट कर आ सकता हूं जब सलमान खान मुझसे माफी मांगे। वेल, सलमान खान ने आखिर ऐसा कर ही दिया। जी हां, सलमान ने माफी मांग ली है और उनका यह अंदाज बेहद ही अलग रहा। सलमान खान ने सैटरडे के वीकेंड एपिसोड में जुबैर का नाम ना लेते हुए कहा कि मैं इस दुनिया के सभी कुत्तों से माफी मांगता हूं कि मैंने घर में किसी कंटेस्टेंट को कुत्ता कहा। वेल, कुल मिलाकर एक बार फिर से सलमान खान ने माफी इस अंदाज में मांगी है कि जुबैर का गुस्सा फिर से भड़क सकता है। जुबैर ने सलमान पर लगाए आरोप। सलमान खान ने मुझे गाली दी, सलमान खान ने मुझे धमकी दी, सलमान खान ने मेरे दिल से खेला, सलमान खान ने दिमागी तौर पर टॉर्चर किया। वेल, बिग बॉस फिलहाल अपने तीसरे वीक में है। इस बार के कंटेस्टेंट पर गौर किया जाए तो हर कोई एक से बढ़कर एक है। ऐसा एक भी कंटेस्टेंट नहीं जो बिग बॉस के घर में तमाशा क्रिएट ना कर रहा हो, फिर चाहे वो सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता हो, हर कोई अपने लेवल पर खुलेआम गेम खेल रहा है। फॉर एंटरटेनमेंट डेस्क, लकी चिकवानी, न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।